गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है सिंडीजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशन में, सिंडीजी में, आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने टू टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और YouTube पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें Facebook पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों, ये कुछ माइल स्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ NLM का वन शॉट लेक्चर पार्ट टू लेके। बच्चों, इसको पार्ट टू करने का रीज़न ये था कि टोटल लेक्चर की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स के आसपास हो जाती, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमने इनको पार्ट टू के अंदर डिवाइड कर दिया। लास्ट के अंदर क्वेश्चंस भी आएंगे NCERT के, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो फ्रिक्शन तक अपनी बात हो चुकी थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। जनरली कुछ कंडीशंस अपन ने ड्राइव की थी जिसके अंदर फ्रिक्शन जो है अपने लग रहा था, और जो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट थी उस ब्लॉक को जस्ट मूव करवाने के लिए या फिर ब्लॉक को स्टेबल रखने के लिए, वो सारा डिस्कशन अपना चल रहा था, ठीक है। एक प्रॉब्लम है बच्चों, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या है, कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके लिए, जो मैं जो आपको बता रहा हूँ सिंपल से, वही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमेशा वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, ठीक है। देखिए, लेट अज्यूम दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, मास M1 मास M2। टू टाइप के केस अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये आपके स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, μs दे रखा है आपको, और फोर्स मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखना इसके जो स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जहाँ पे दो ब्लॉक्स दे रखे हों, ये आपके क्या दिया जाएगा, स्मूथ दिया जाएगा इन टाइप्स के क्वेश्चन में, ठीक है। टाइप देखना, इसके अंदर टाइप ध्यान रखना है। तो स्टेप 1 आपको क्या अज्यूम करना है, स्टेप 1 के अंदर आप ये अज्यूम करेंगे कि ब्लॉक्स साथ चलेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ठीक है बच्चों। ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर मतलब गुटके साथ साथ चलेंगे, ठीक है बच्चों, साथ साथ चलेंगे, ये आपको अज्यूम करना है, ठीक है। आपने अज्यूम कर लिया, उसके बाद में इस पूरे को सिस्टम मान करके एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों। क्या निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकाल लीजिए। तो पूरे का सिस्टम मैं यदि बनाऊंगा तो मेरे पास फोर्स जो लग रहा है वो तो F है, ठीक है। और यहां पे जो M1 M2 है, ये टोटल मास, यदि दोनों साथ चलेंगे तो टोटल मास मुझे लेना होगा। तो
एफ अपॉन में एम वन अपॉन में एम टू, ठीक है। ये अपना क्या आ गया बच्चों, ए सिस्टम। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या कीजिए, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है। यदि आपको म्यू के दिया हुआ है, यदि आपको म्यू के दिया हुआ है और म्यू एस दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, तो आपको म्यू के को भी यूज में लेना है यदि ब्लॉक अलग अलग मूव करते हैं तो। यदि ओनली आपको म्यू एस दे रखा है, ओनली आपको स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट दे रखा हो, तो आप ओनली म्यू एस को ही लेके चलोगे। यदि ब्लॉक मूव भी कर रहे हैं तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू को, और यदि ब्लॉक मूव नहीं कर रहे साथ में चल रहे हैं तो फिर आपको खुद को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए एफ एस मैक्सिमम जब आप निकालेंगे, म्यू एस, देखिए ये वाले सरफेस की बात कर रहा हूं तो नॉर्मल कौन सा लगेगा, एम वन जी। बात समझ में आ रही है, नॉर्मल कौन सा लगेगा, एम वन जी, यही तो नॉर्मल लगेगा इधर, ठीक है, म्यू एस इंटू नॉर्मल ही लिखा है मैंने। अब देखिए स्टेप थ्री, स्टेप थ्री की बात करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, जो आपने एक्सेलरेशन सिस्टम बनाया है, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना, बात समझ में आ रही है। तो इसको जो फोर्स चाहिए वो देगा कौन, वो फ्रिक्शन ही तो देगा, वो फ्रिक्शन ही देगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको, देखिएगा। जैसे आप क्या कीजिए, आप एफ रिक्वायर्ड निकाल लीजिए। एफ रिक्वायर्ड के अंदर क्या होगा, नीचे वाले का मास इनटू में एक्सेलरेशन, एफ अपॉन में एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब देखिए स्टेप थ्री आ गया, स्टेप फोर, स्टेप फोर में आप देख लीजिए जो अपना एफ रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू यदि एफ एस मैक्सिमम से कम है या बराबर है, ठीक है। यदि एफ रिक्वायर्ड जो है वो कम है या बराबर है एफ एस मैक्सिमम के, देन, ये फर्स्ट केस है, देन तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ठीक है बच्चों, मूव टुगेदर में साथ साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही है, साथ साथ चलेंगे। लेकिन लेकिन यदि एफ रिक्वायर्ड मेरा ज्यादा है, यदि एफ रिक्वायर्ड मेरा ज्यादा है एफ एस मैक्सिमम से, तो नॉट मूव टुगेदर, तो साथ साथ नहीं चलेंगे, तो साथ साथ नहीं चलेंगे। बात समझ में आ रही है, साथ साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। इस वाले केस में तो आप क्या कीजिएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है उसी को रख करके डायरेक्टली यहाँ पे, अब चलते कैसे हैं उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन करें। जब साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको अलग अलग एफ बी डी बना लेनी है। इस तरफ एफ लग रहा है, इस तरफ एफ एस लग रहा है, इस तरफ ओनली एफ एस लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। साथ साथ चलेंगे तब तो केस है, आगे मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब देखना, साथ साथ जब चलेंगे तब होता क्या है, देखो फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन ये वाली सरफेस की जब मैं बात करूंगा तो इधर लगेगा, और इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला जो है वो क्या है, फ्रिक्शन ही है। जनरली यदि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो कन्वेयर बेल्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आपने यदि बाय द वे एयरपोर्ट पे गए हो, या फिर कोई भी ऐसी बेल्ट ले लीजिए जिसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, वो ब्लैक मूव जो अपने बेल्ट है वो मूव कर रही है, बेल्ट मूव कर रही है तो उसके साथ जो ब्लॉक है आपका उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसको आगे कौन ले जा रहा है, उसको आगे फ्रिक्शन ले जा रहा है अपने साथ में। बात समझ में आ रही है, कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन ले जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे यदि फोर्स दिया हुआ है तो इस ब्लॉक को आगे यदि साथ में चल रहे हैं तो आगे कौन ले जाएगा, फ्रिक्शन ले जाएगा,
और यदि साथ नहीं चल रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो फ्रिक्शन ही होगा। बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट जो केस है अपना, नेक्स्ट के डिस्कशन करते हैं, ये समझ में आ गया। फर्स्ट आप ये अज्यूम करके चलोगे ऐसे क्वेश्चन में कि ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, ये सिस्टम निकालिए, उसके बाद में fs मैक्सिमम निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद f रिक्वायर्ड की बात करता हूँ मैं, f रिक्वायर्ड आपको निकालना है नीचे वाला जो द्रव्यमान है, नीचे वाला मास है, उसके साथ में जो है ये सिस्टम को इंटू कर दीजिए, जो भी फोर्स आपके बन रहा है यदि उसकी वैल्यू fs मैक्सिमम से कम है या उसके बराबर है तो ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि f रिक्वायर्ड की वैल्यू fs मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाती है तो ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। जैसे ही अलग अलग मूव करें दोनों का अलग अलग fbd बना लो और उनको मूव करवा दो। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले केस के अंदर देखो, नीट के बच्चों के लिए ये दो तरह के केस मोर देन सफिशियंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये आपस में यूएस ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये M1, ये M2, स्टेप जो अपने रहेंगे वापस वही स्टेप वन। अब स्टेप मैं थ्योरेटिकली पीछे लिख चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मुलेस लिखूंगा। ये मैंने ले लिया ए सिस्टम F अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। और स्टेप टू, स्टेप टू F S मैक्सिमम, यहाँ पे क्या आएगा म्यू एस इनटू में एम वन जी। बात समझ में आ रही है। स्टेप थ्री, यदि f f रिक्वायर्ड भी तो निकालना है अपने को, f रिक्वायर्ड निकाल लीजिए क्या है। अब देखो m2 के अंदर फोर्स लग रहा है तो f रिक्वायर्ड क्या है मेरे पास m1 जिसके साथ फोर्स लग रहा हो उसको ना ले करके जिसके अंदर फोर्स नहीं है उसको यदि ये साथ साथ में जा रहे हैं तो आगे लेके कौन जाएगा, फ्रिक्शन लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, फ्रिक्शन ही लेके जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टेप फोर आ जाइए, यदि एफ एस ठीक है मैक्सिमम से एफ जो रिक्वायर्ड है वो छोटा है या बराबर है तो ब्लॉक क्या चलेंगे टुगेदर, ठीक है टुगेदर मूव, ठीक है साथ साथ चलेंगे। और यदि एफ एस मैक्सिमम छोटा पड़ जाए और एफ रिक्वायर्ड ज्यादा हो तो ब्लॉक विल मूव सेपरेटली, ठीक है साथ साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे। बात समझ में आ रही है। इस ब्लॉक के केस के अंदर फ्रिक्शन जो लगेगा डायग्रामेट्रिकली यदि मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये तो F इधर लग रहा है, ये आपके M2 है, ये M1 है, तो इधर इधर फ्रिक्शन लगेगा, इसको आगे ले जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन ही होगा। बात समझ में आ रही होगी। इसको आगे ले जाने वाला कौन होगा, फ्रिक्शन ही होगा। अब एक चीज और, यदि बाय द वे म्यू एस और म्यू के दे रखे हों, यदि ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही वर्क करेगा, यदि ये दोनों अलग अलग चलेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, म्यू के लेना पड़ेगा, ठीक है बस इतना सा है। आगे चलें। अब देखिए ये दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। मैंने ये इसीलिए लिया क्योंकि जब अपन स्पेसिंग लेते हैं, फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो अपने पास वर्किंग के लिए स्पेस नहीं बचेगा इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी सी कंप्लेन हो कि भैया सर आपने डायग्राम लिए हैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नहीं पता चल रहा, तो मैं साथ साथ में बोलता हुआ चल रहा हूँ ना, ठीक है। तो 5 kg का सॉल्यूशन है, 10 kg का सॉल्यूशन, वापस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। स्टेप वन आपने लिया, क्या लिया, ए सिस्टम निकालना है। अब मेरे को लग रहा है कि आपको लगभग याद हो गए होंगे स्टेप, 30 अपॉन में 15, ठीक है कितना आ जाएगा 2 m/s², ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू के अंदर क्या लिखाऊंगा मैं, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर सीमांत घर्षण बोल सकते हैं। 0.5 और 50 कितना हो जाएगा,
25 न्यूटन। तो एफ एस मैक्सिमम कितना आ सकता है 25 न्यूटन। स्टेप थ्री एफ रिक्वायर्ड निकाल लीजिए। एफ रिक्वायर्ड कितना होगा, एफ रिक्वायर्ड क्या होगा, नीचे वाले का द्रव्यमान, जहाँ पे अपने फोर्स नहीं लग रहा है उसका द्रव्यमान लेना है। 10 इंटू टू कितना है 20 न्यूटन। अब आप खुद देखिए स्टेप फोर, एफ जो रिक्वायर्ड है वो एफ एस मैक्सिमम की तुलना में कम है या नहीं है। एफ एस मैक्सिमम की तुलना में कम है तो बात सीधी सी है, ब्लॉक मूव टुगेदर, ब्लॉक टुगेदर मूव करेंगे। और डायग्रामेट्रिकली यदि मैं शो करूं तो आप खुद सोचिए, देखना आप डायग्रामेट्रिकली शो कर रहा हूं अलग अलग एफपीटी के अंदर। 5 केजी के अंदर इस तरफ कितना लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड कितना है, वो रिक्वायर्ड के हिसाब से एफ एस मैक्सिमम एडजस्ट हो जाएगा। कितना, इस तरफ लग जाएगा 20 न्यूटन और इस तरफ लग जाएगा 20 न्यूटन। अब आप खुद देखिए ध्यान से, 30 माइनस 20 अपॉन में 5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 20/10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वापस एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का। इसका मींस अपना प्रोसेस एकदम सही है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा सबसे पहले क्या कीजिए, आप F1 और F2 की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रिक्शन की। तो ये तो आ जाएगा 0.5 × 50, तो आई थिंक 25 न्यूटन, ठीक है। और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 × अभी दोनों के दोनों मास के नीचे, यहाँ यहाँ जो नॉर्मल बनेगा वो टोटल क्या बनेगा 150, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 150 बना तो ये टोटल कितना आ गया 30 न्यूटन। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैक्सिमम वापस के नहीं दे रखा, एक ही म्यू दे रखा है, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्टली एफ लगा दीजिए। और देखो एफ की वैल्यू जो है यहां पे इसने दे रखी है, एफ की वैल्यू 40 न्यूटन, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, वापस 5 केजी का एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 केजी, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस 40 न्यूटन को अपने को यूज कहां करना है, ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो आप खुद सोच के देखिए, मैक्सिमम पीछे की तरफ कितना लग सकता है 25 न्यूटन, इसको अलग अलग आप देखोगे तो इस तरफ मैक्सिमम कितना लग सकता है 25 न्यूटन और इस तरफ है कितना अपने पास 30 न्यूटन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला ब्लॉक तो जो फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स जो इसके ऊपर जा सकता है वो इसके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम आ रहा है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम आ रहा है तो इसके लिए मैं जो एफबीडी बनाऊंगा नेक्स्ट अगेन, तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये भी 29 न्यूटन, ये भी 29 न्यूटन, तो ए 10 केजी का कितना आ जाएगा 0, ये बच्चों मूव ही नहीं करेगा। और एफ यदि 40 के हिसाब से आप देखते हो तो 40 − 25/5 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, अब यहाँ साथ में चलने का सवाल ही नहीं उठता, क्यों, आप खुद सोच के देखिए, ये नीचे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा नीट के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस में यहाँ स्मूथ मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन ये प्रोसेस पूरा पूरा फॉलो करेंगे, लेकिन जब दोनों आ जाएं तो अलग अलग एफबीडी करके बना लो भाई, और चेक कर लो कि यदि ये जो एफ स्टैटिक है वो ज़्यादा है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की ऊपर वाले की मैक्सिमम वैल्यू से, तो कभी भी नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक ही मूव करेगा। बात समझ में आ रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी जो ब्लॉक है वो होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चले, अब ये देखिए कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने लिए हैं जहाँ फ्रिक्शन का यूज़ होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर पूछी है कि भाई एक हेमिस्फेरिक बॉल है, उसके अंदर एक इंसेक्ट है जो यहाँ पे क्रॉल करता हुआ, ठीक है, धीरे धीरे करता है, क्लाइम करता है, तो कितनी हाइट तक ये क्लाइम कर पाएगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इंसेक्ट क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इंसेक्ट क्लाइंबिंग प्रॉब्लम मतलब कीड़े
चढ़ने की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चढ़ने का सवाल लिख लीजिए, कीड़े के चढ़ने का सवाल। अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगा, चढ़ने की अधिकतम ऊंचाई लिख लो। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना डायग्राम। वैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया है, फिर भी आप देखिए। यहां से कीड़ा चढ़ना स्टार्ट करेगा, मान लिया कि वो यहां तक पहुंच पा रहा है। यहां तक पहुंचने के बाद में वो वापस स्लिप कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मान लिया मैंने अधिकतम यहां तक जा रहा है, ठीक है ना, यहां तक जा रहा है। तो ये जो है बच्चों, ये ले लेट अज्यूम थीटा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे के रेस्पेक्टिवली ये जो हाइट है वो तो ये है ना बेटा एच, और यहां पे क्या होगा, यदि ये थीटा है तो यहां पे इसके ऊपर एम जी तो लग ही रहा होगा, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस तरफ जो आएगा घटक, जो इसके परपेंडिकुलर घटक आएगा, वो तो आएगा कितना आएगा एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ कितना आएगा एम जी साइन थीटा। अब यूज क्या करना है, जब वो ऊपर चढ़ रहा है उसको नीचे वाले फोर्स के रेस्पेक्टिवली बैलेंस कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन कर रहा होगा। लेट अज्यूम यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है म्यू। तो अब देखिए ओनली यहाँ वाला मैं डायग्राम बनाता हूँ, एफ एस की वैल्यू मैं यदि लूँ तो कितना हो सकता है म्यू, नॉर्मल कितना है एम जी कॉस थीटा, कितना है नॉर्मल एम जी कॉस थीटा। नीचे की तरफ जो फोर्स इसको नीचे लाने की ट्राई करेगा वो कितना होगा एम जी साइन थीटा। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, जैसे ही और ऊपर चढ़ेगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस करवा दो, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, एम जी से एम जी उड़ा दो तो टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया म्यू। यहाँ पे म्यू मैं स्टैटिक लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, पहले ही बता दिया है, बाद में मत बोलना ये म्यू एस होगा म्यू होगा, मैं सिंपल म्यू लेके चल रहा हूँ। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा होगा क्या, ये तो बच्चों आर है, ठीक है, स्मॉल आर या बिगर आर जो आप माने, और ये एफ एस मैक्सिमम होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। अब देखिए ये आर है, अब ये जो है ये हाइट जो है अपने पास, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए मेरे पास वाई है, ठीक है बच्चों, ये कितना है मेरे पास वाई है। अब यहां से यदि मैं टेन थीटा यूज में लेता हूं तो टेन थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, ये अपॉन में ये, सही है गलत है, ये अपॉन में ये, ठीक है। अब देखिए यहां से टेन थीटा जो मैं लिख रहा हूं तो टेन थीटा में जो अपने परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बच्चों हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास म्यू, ठीक है। यहां से अपने को बेसिकली क्या निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू देखिए भाई, वापस ट्राई करें फटाफट वाई की वैल्यू के लिए, आर स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, ठीक है, सिर्फ मैथ्स है। तो आर स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को वाई निकालना है तो वाई क्या आ जाएगा, आर अपॉन में वन प्लस म्यू का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है, ये इसके नीचे गया फिर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मेरे को लेकिन चाहिए क्या, मेरे को एच चाहिए, तो एच बेसिकली है क्या, एच इज इक्वल टू आर माइनस वाई, ये आर है ये वाई है, यदि मैं आर में से इसको घटा दूं तो मेरे को एच मिल जाएगा। एच के लिए मैं क्या कर दूं, आर माइनस आर अपॉन में रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो आर आ गया मेरे पास वन माइनस रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये बच्चों हाइट है जो ये इंसेक्ट है वो ऊपर चढ़ पाएगा, जो कीड़ा है वो अपना हेमिस्फेरिक बॉल में ऊपर चढ़ पाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सिंपल नॉर्मल केसेस हैं वो मैं लेके चल रहा हूँ। अब देखिए बहुत ही इजी केस है ये, कैसे ध्यान से देखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये आपके गाड़ी है, ठीक है, ये ए एसलेशन से मूव कर रही है, एसलेशन इसका ये है, फोर्स लग रहा है पीछे, कोई दिक्कत नहीं, इसके कारण ए एसलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि जब कभी भी आप ऐसी चीज़ की स्टडी करते हो कि उस चीज के अंदर एक और चीज है, आपको उसकी स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
उसके रिलेटिव सोचना पड़ेगा, और जैसे ही आप रिलेटिव सोचते हो तो स्यूडो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इसका डायग्राम देखिए ध्यान से वापस वंस अगेन। स्यूडो के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, आप यहां पे जाके बैठ जाओगे। जैसे ही आप यहां पे जाके बैठे, अब इसका जो एक्सेलरेशन टोटल हो सिस्टम का था वो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की तरफ लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ इसका डायग्राम क्या बनेगा ऐसे। ये तो आपके एम हो गया, इस तरफ जो लग रहा है ठीक है, ये स्मॉल एम बना लो नहीं तो फिर कंफ्यूजन करोगे तुम। ये स्मॉल एम, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा एम ए। मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसकी स्टडी आपको करनी है। इस तरफ यदि एम ए लग रहा है तो ये सरफेस इसको नॉर्मली भी इधर देगा। बात समझ में आ रही है? और नीचे की तरफ जो क्या लगेगा, एम जी। और फ्रिक्शन होना जरूरी है, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कितने ही एक्सेलरेशन से दौड़ा लो ये ब्लॉक नीचे स्लिप शॉर्ट शॉर्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरफ फ्रिक्शन होगा बच्चों, फ्रिक्शन होगा तो म्यू होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहां पे नॉर्मल क्या बना, ये मेरे को आप देख के बताइए यार, नॉर्मल क्या बना यहां बच्चों, नॉर्मल बना एम ए। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर एम जी इज इक्वल टू म्यू एम ए, एम से एम उड़ा दो, म्यू इज इक्वल टू जी बाय ए। एकदम इजी क्वेश्चन है, म्यू इज इक्वल टू जी बाय ए। जो आपका फ्रिक्शन कॉफिशियंट है उसकी जो वैल्यू है वो जी बाय ए होना निहायत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा बच्चों? अब आगे चलते हैं फटाफट। अब देखिए वापस वही कंडीशन, मैंने आपको कहा था शूडो की कंडीशन में समझाऊंगा जरूर। अब वापस देखिए, यदि आपने मौत का कुआं नामक एक खेल देखा हो तो उसके अंदर एक कार, एक बॉल होता है ऐसा गोल गोल, उसके अंदर एक कार ऐसे घूमती है, वो कार को ऊपर रोके कौन रखता है, फ्रिक्शन रखता है। और वहां वो वाले केस के अंदर देखिए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन इसमें यूज में आएगा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा हो, ऐसे रोटेट कर रहा हो, तो अपन देखिए ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मैं कंडीशंस लेके चल रहा हूं ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है बच्चों, वो रेडियस आर है। अब देखिए यहां पे एक बंदा ठीक है यहां पे है और ऐसे मूव कर रहा है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे कि अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लग रहा है, माना मैंने, लेकिन आप इसकी डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते इस बंदे की, क्यों, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे इसकी एक्सिस के ऊपर जाके बैठ जाओ। जैसे ही आप इसकी एक्सिस के ऊपर जाके बैठोगे तो ये जो आपने सेंट्रीपिटल बनाया है दिस विल एक्ट एज सेंट्रीफ्यूगल। अब इसका मास और एक्सेलरेशन जो सिस्टम का था तो ये क्या बन जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वापस वही नीचे की तरफ एम जी और यहां पे एफ एस और ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन की बात करोगे तो एम ए सी ठीक है, और एफ एस जो है एफ एस कितना आ जाएगा, म्यू एम ए सी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, एम जी, क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी। तो एम जी इज इक्वल टू म्यू एम ए सी। अब यहां पे क्या है, ए सी जो है तो ए सी को आप दो तरीके से लिख सकते हो, यदि आपको एंगुलर फॉर्म में दे रखा हो तो ओमेगा स्क्वायर आर ठीक है, और यदि सिंपल वेलोसिटी के फॉर्म में दे रखा हो तो वी स्क्वायर बाय आर। ये अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन दिस विल वर्क एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बच्चों, बाहर की तरफ म्यू जब आप निकालोगे तो जी अपॉन में या तो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर जी अपॉन में वी स्क्वायर आर। बात समझ में आ गई होगी, डन है एकदम। देखिए बच्चों कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। द ड्राइवर ऑफ ए थ्री व्हीलर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किमी पर आवर, ठीक है, चाल कितनी दे दी अपने को, चाल बच्चों दे दी है 36 किमी पर आवर। ठीक है बच्चों, ये चाल दे रखी है तो मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 36 इंटू 5 बाई 18 तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक 10 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड आया आप आगे चले, ठीक है,
सी इज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ब्रिंग हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड. ओके, 4 सेकेंड के अंदर रेस्ट पे ले आया, तो ठीक है. v प्लस यू प्लस ए टी, ठीक है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डायरेक्टली हो जाएगा. u जो है इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, तो कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है. तो u माइनस ए टी, यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कितना है, रिटार्डेशन अपन ने ले लिया ना, माइनस के अंदर निकलेगा. तो u कितना है अपने पास, 10, ये 4 सेकेंड में आ गया, तो कितना आ रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिटार्डेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन यदि यहाँ पे मैंने लिया है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, तब भी रिटार्डेशन डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है. व्हाट इज एन एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन ए व्हीकल, द मास ऑफ द व्हीकल. अब फोर्स की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्टली मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो. मास कितना है, व्हीकल का मास कितना है, 400 kg प्लस में 65 इंटू में 2.5, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है. 400 प्लस में 65, क्योंकि मास तो अपने को टोटल लेना पड़ेगा ना, और साथ में एक्सेलरेशन, ठीक है. डायरेक्टली आप जब करोगे तो 1162.5 न्यूटन ये आपके आ जाएगा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स. बात समझ में आ रही है बच्चों. अगले वाला देखते हैं. अगले वाले में क्या कह रहा है, ए रॉकेट विद द लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ब्लास्टेड अपवर्ड है, ठीक है ना, अचानक से ब्लास्ट किया, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक है. तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल जो इसका ए इफेक्टिव है वो कितना होना चाहिए. ये तो उसने फाइनल दे दिया अपन ने, ए इफेक्टिव अपने पास कितना आएगा, 10 प्लस के अंदर 5, कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो इस फोर्ट का आरंभिक प्रणोद परिकल्पित कीजिए, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट. तो फोर्स ही तो करना है अपने को, फोर्स कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन था भाई, ठीक है, 15, तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 3 × 10⁻⁵ न्यूटन. बस समझ में आ रहा है, ये इतना फोर्स इसको जनरेट करना पड़ेगा इनिशियली, ताकि नेट जो है वो 5 मिल जाए. बस समझ में आ रहा है, नेट जो है वो 5 मिल जाए. तो 15 यदि ऊपर की तरफ होगा नेट, ठीक है ना, बस समझ में आ रहा है, 15 यदि ऊपर की तरफ होगा और 10 नीचे की तरफ लग ही रहा है, तो नेट आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ. चलें आगे, आगे देखिए. ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग. अब देखिए, मैंने आपको बताया था वेइंग स्केल जो भी होते हैं वो आपके क्या मेजर करते हैं, वो आपके मेजर करते हैं जो उसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है, नॉर्मल फोर्स आप कह सकते हो, ठीक है बच्चों. अब देखिए, मैन यहाँ खड़ा हुआ है भाई, 70 kg का मैन है, ठीक है. तो इनिशियल जो रीडिंग है, जो आपके वेट है, वेट कितना है, 700 न्यूटन, ठीक है. और जो रीडिंग है, बेसिकली देखो, कल मैंने आपको बच्चों बताया था, जो रीडिंग होती है ना, जो भी आपके स्केल आप लेके चलते हो, कल मैंने आपको मीटर स्केल दिखाया था, तो जब मैंने उसको थोड़ा पास करके दिखाया था, उसमें आप देखना, रीडिंग दो तरह की होती है. एक रीडिंग होता है जिसके अंदर तो फोर्स बताता है, मतलब टोटल वेट बताता है. दूसरी रीडिंग उसके सामने जस्ट होती है जिसके अंदर वो क्या बताता है, मास बताता है. मास की जब भी आप बात करोगे, मास कब बताएगा, मास तो बताएगा डायरेक्टली, वो क्या है, फॉर्मूले में डिवाइड कर देते हैं 10 से, डायरेक्टली उसका मास आ जाता है. बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली उसका मास मिल जाएगा 10 से 9.8 से, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जनरली 10 लेके चलते हैं तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन चलती है, ठीक है. अब देखिए पहली कंडीशन अपन लेके चलते हैं. पहली कंडीशन, अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 kg. जब भी स्पीड हो तो एक्सेलरेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, रीडिंग जो है अपनी सेम आएगी, रीडिंग जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है बच्चों. बी में बात करें, डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये मूव क्या कर रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों. एक लिफ्ट के अंदर है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ए इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव बच्चों कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो कितना रह गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. जो आप जी निकालते हो, मतलब ए इफेक्टिव, ठीक है, कितना रह गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अब इसकी जो रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, रीडिंग कितनी आ जाएगी, 70 × 5, तो 350 न्यूटन है. ये तो क्या है, वेट आएगा, और इसका जो मास अब ये बताएगा वो कितना बताएगा, 35 kg. बात समझ में आ रही है. अब सी की बात कर लेते हैं,
आई थिंक इसके अंदर ए पार्ट लास्ट जो पार्ट है, हाँ लास्ट पार्ट ये कट हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, ये थ्री पार्ट आ रखे हैं। तो तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, अफवर्ड विद यूनिफॉर्म ऑसिलेशन। देखिए अब यदि ये अपवर्ड मूव करेगा तो आपको बता रखा होगा ए इफेक्टिव जो बनेगा अब इसके अंदर वो बनेगा 10+5 कितना आ जाएगा 15 m/s², ठीक है बच्चों। तो 70 रीडिंग जो है इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी जो रीडिंग है, वेट देख लेते हैं पहले, ठीक है, पहले आप वेट देखोगे तो कितना आ जाएगा 70 × 15 0 newton, ये तो इसका वेट हो गया, और रीडिंग किसकी कितनी होगी 105 kg। बात समझ में आ रही है। डी की बात करते हैं, डी जो है हिंदी वालों को मैं करके बता दूंगा, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इज हर्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये कह रहा है कि लिफ्ट का मैकेनिज्म फेल हो जाए और अंडर ग्रेविटी ही ये नीचे आ रही है, तो अंडर ग्रेविटी ही नीचे आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो शूडो वाला ही है। देखिए ध्यान से, मैं इसके अंदर आके बैठूंगा तो इसका लिफ्ट रुक जाएगी और इसका जस्ट उल्टी डायरेक्शन में इसको मिल जाएगा, तो 10 - 5 तो नीचे की तरफ कितना आ गया 5। इसके अंदर जब मैं अंदर आके बैठूंगा तो वापस ये जो 5 है वो नीचे जस्ट उल्टी डायरेक्शन में इसको मिलेगा, 5 नीचे और 15, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10+5 = 15। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, ये जी से ही नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, अब जैसे ही मैं अंदर आके बैठूंगा तो जी ऊपर की तरफ मुझे देना पड़ेगा इसको रोक करके, और जी नीचे की तरफ इसके अंदर पहले से लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा वेटलेसनेस, वेटलेसनेस भारहीन, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, तो रीडिंग क्या आएगी 0, क्या आएगी 0, ठीक है बच्चों। आगे चले, देखिए बच्चों 40 kg संहिति का कोई बंदर 600 N का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है, नीचे देगी स्थितियों में से किसमें रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, पहली स्थिति देखें अपन, पहली स्थिति देखते हैं, वाह चलिए देखिए, ऊपर की तरफ जो टेंशन है वो तो 600 N ही सहन कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब ये 400 N तो नीचे की तरफ है, ठीक है बच्चों, अब ये टेंशन ऊपर की तरफ क्रिएट होगा, बात समझ में आ रही है। अब ये क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में कह रहा है बंदर 6 m/s² तोड़ने से ऊपर चढ़ता है, तो इक्वेशन ओनली टी की निकाली है, क्यों, ये तो आपके भंजन सामर्थ्य है, ठीक है ना, कि इतना ये सहन कर सकता है, उसके बाद में टूट जाएगी, ये निकालोगे तो ऊपर की तरफ ऑसिलेशन निकालना है मेरे को, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जब निकालूंगा तो टी माइनस 400 = 40 × 6 तो कितना आ जाएगा 400 + 240 तो 640 N, तो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है बच्चों। अब बी कंडीशन देखिए, बी कंडीशन के अंदर डायग्राम में यही यूज़ में लूँगा, बंदर 4 m/s² त्वरण से नीचे उतरता है, नीचे उतरता, नीचे उतरना है, तो 400 - t = 40 × 4 ये 400 क्या है mg, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो t = कितना आ जाएगा 400 - 160, तो आई थिंक यहाँ पे 240 N बनेगा, तो रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी काम कर जाएगी। सी वाले केस की बात करता हूँ मैं, यदि तो बंदर 5 m/s की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है, ठीक है, एक समान चाल से ऊपर चढ़ रहा है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, यदि एक समान चाल से ऊपर चढ़ रहा है तो मीन्स t = कितना है 400 N ही है, फोर्स तो बैलेंस हो रहे हैं लेकिन ये धीरे 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 चाल से ऊपर चल रहा है, ठीक है, नियत चाल से, तो t = 400 N है तो भी रस्सी नहीं टूटेगी, मतलब इस इफेक्ट नहीं आएगा, मीन्स 400 N का 400 N रह जाएगा, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। डी, बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है, जब गुरुत्व बल के प्रभाव के अंदर भी गिरता है तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो भी रस्सी नहीं टूटेगी, मतलब मुक्त रूप से गिर रहा है, मतलब उसने लगभग हाथ छोड़ रखे हैं तो वो टेंशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा, तो इसके अंदर भी रस्सी नहीं टूटेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए ट्रक दे रखा है आपको, किसी ट्रक का पिछला भाग खुला है, 40 kg संहिति का एक संदूक खुले सिरे से 5 m दूरी पर रखा है, ठीक है, अब देखिए ये खुला सिरा है, ये 40 kg है मेरे पास, ये यहाँ से 5 m दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ट्रक के फर्श तथा संदूक के बीच में घर्षण गुणांक कितना है 0.15, ये म्यू दे दिया, तो सबसे पहले
एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, कितनी आएगी, 0.15 इंटू में 400, नॉर्मल 400 तो बनेगा, देखिए ये 400 और ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल 400 बन गया, तो कितना आ जाएगा, दो जीरो उड़ गए तो 60 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, किसी सीधी सड़क पर ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है, 2 मीटर पर सेकेंड इसके त्वरित होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वापस वही कंडीशन यहाँ क्रिएट हो रही है, ट्रक यहाँ पे त्वरित हो रहा है, ट्रक यहाँ क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, ट्रक के पास में एक्सेलरेशन आ रहा है। जब ट्रक के पास में एक्सेलरेशन आएगा और ट्रक के ऊपर रखी किसी वस्तु को स्टडी करना है आपको, तो आपको ट्रक के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा। ऊपर जैसे ही जाओगे ट्रक आपके रेस्पेक्टिवली रुक जाएगा और इसका जो एक्सेलरेशन शूडो फोर्स की तरह इसके ऊपर लगने लग जाएगा पीछे की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मैं ब्लॉक डायग्राम मतलब FED आपके बनाता हूँ इस ब्लॉक का, 40 kg, ठीक है। आगे की तरफ फोर्स कितना होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन इसको चाहिए, ठीक है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके ऊपर डायरेक्टली लगेगा आगे की तरफ, कितना होना चाहिए, अब 80 न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब देखिए 80 न्यूटन तो इसके कारण जनरेट हुआ है, नेट इफेक्ट नहीं है, ये डायरेक्टली फोर्स ही लग गया सीधा। जैसे ही फोर्स लग गया, ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। और ये क्या है बच्चों, शूडो फोर्स मतलब छद्म बल, क्या है बच्चों, छद्म बल। अब पीछे की तरफ कितना लग सकता है, 60। तो अब यहाँ से मैं यदि ए निकालूंगा, 80 - 60/40, तो ध्यान से देखिए कितना आएगा, 0.5, ठीक है ना, 20/40, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस ब्लॉक को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो 5 = 1/2 × t, ठीक है, स्क्वायर, तो टी क्या आ जाएगा, √20। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा √20। अब ट्रक कितना ट्रेवल करेगा, ST लिख लेते हैं, 1/2 × एक्सेलरेशन ट्रक का 2, और टाइम कितना है, √20 का होल स्क्वायर करोगे तो 20 आ जाएगा, कितना ट्रेवल करेगा, 20 मीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब शूडो के कॉन्सेप्ट ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज़ है, नॉन इनिशियल को इनिशियल बनाने के लिए अपन जो एक्सेलरेशन है उस टोटल फ्रेम का वो रोक करके जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी अपने को करती हैं उसके अंदर उल्टी डायरेक्शन में दे देते हैं, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन अपन ने दिया वो क्या बन जाता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन जो फोर्स वो क्रिएट कर रहा है वो क्या बोला जाता है, छद्म बल या फिर शूडो फोर्स, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, थैंक यू, आई होप आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया हो, और जो चीज़ मैं चाहता हूँ प्रस्तुत करना वो मैंने की, और देखो पूरा जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाया, लेकिन सारी की सारी जो मेन पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम्स में आने लायक हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और वैसे आप खुद जानते हो क्लासेस के अंदर 1 to 1.5 month ये पूरा टॉपिक चलता है, ठीक है, कम से कम 1 महीने तो चलता ही है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सका मैंने कवर किया, तो यदि आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ओके, और सिंडी जी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। वहाँ पे ये लेक्चर्स और इसके साथ की जो PDF है वो फ्रीली अवेलेबल है, और YouTube लेक्चर्स के साथ भी इसका लिंक दिया हुआ है PDF का, ओके बच्चों, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।